नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं कायनत अंसारी। कांग्रेस में लंबे समय से बागी सुर बुलंद करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। कांग्रेस को अलविदा करने के साथ ही सिब्बल नए सहारे राजनीति के रास्ते तय करने जा रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने वाले सिब्बल को सपा का समर्थन मिला है, यानी अब वो सपा के सहारे राज्यसभा का रास्ता तय करेंगे। तो क्या कपिल सिब्बल सपा के समर्थन के साथ सपा में शामिल होंगे, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस को उन्होंने खैरबाद कह दिया है, इसका खुलासा उन्होंने खुद किया। कांग्रेस से इस्तीफे का खुलासा करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। वो विपक्ष में रहकर एक गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि मोदी सरकार का विरोध करें। वो चाहते हैं कि 2024 में ऐसा माहौल बने कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए और वो खुद इसका प्रयास करेंगे। हालांकि सिब्बल ने कहा कि उन्हें सभी दलों ने समर्थन दिया है। समर्थन के लिए कपिल सिब्बल ने आजम खान का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने खुद साफ किया कि वो सपा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। सिब्बल ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं राज्यसभा का निर्दलीय उम्मीदवार बनने जा रहा हूं। मैं हमेशा इस देश में स्वतंत्र आवाज बनना चाहता था। मुझे खुशी है कि अखिलेश यादव ने इसे समझा। वहीं अखिलेश यादव ने भी कपिल सिब्बल को समर्थन देने पर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि आज कपिल सिब्बल ने नामांकन दाखिल किया है, वो सपा के समर्थन से राज्यसभा जा रहे हैं। कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील हैं, वो संसद में भी अपने विचार रखते रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अपने और सपा के विचारों को वो रखेंगे। कपिल सिब्बल का हाथ का साथ छोड़ना कांग्रेस की भविष्य की राजनीति पर क्या असर डालेगा और लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की रणनीति पर इसका क्या होगा असर, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कपिल सिब्बल ने क्या कहा कांग्रेस का हाथ छोड़ने को लेकर और नई राजनीतिक पारी शुरू करने के बारे में। 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। एज एन इंडिपेंडेंट आई विल बी गोइंग टू द राज्यसभा आफ्टर स्क्रूटनी एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू अखिलेश जी। आई ऑल्सो विश टू कन्वे माई ग्रेटिट्यूड टू आजम खान फॉर द सपोर्ट दैट ही हैज गिवन मी, not just now but over several years. I am happy that I will be a member of the Rajya Sabha once the nomination form is cleared and the scrutiny is done as an independent member. I have always wanted to be an independent voice in this country, and I am glad that Akhilesh ji understands why that is so. I think that we are all constrained by the fact that we are members of political parties and we have to therefore abide by the discipline of those parties, but I think it is important to be an independent voice. तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। हालांकि उनकी ये खबर काफी वक्त बाद जो है मीडिया में आई है और इसका खुलासा उन्होंने खुद किया, उस वक्त किया जब वो राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ पहुंचे थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कांग्रेस का साथ छोड़कर क्यों जा रहे हैं उसके नेता, कांग्रेस में ये भगदड़ जो है आखिर क्यों मची हुई है, कब तक ये इसी तरीके से जारी रहेगी, क्या कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके नेता इस प्रकार से उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस चिंतन शिविर यहां पर करती है तो दूसरी तरफ उसके नेता जो हैं उसकी कार्यशैली को लेकर अभी भी असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, लेकिन क्या क्षेत्रीय दल वो क्षमता रखते हैं कि वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक मजबूत विकल्प जो है वो पेश कर पाएंगे, मजबूत विकल्प के तौर पर वो खड़े हो पाएंगे। क्योंकि कुछ वक्त पहले जब चिंतन शिविर कांग्रेस का उदयपुर में चल रहा था उस वक्त कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के साथ ही क्षेत्रीय दल जो है वो मुकाबला कर सकते हैं सरकार के सामने खड़े होने का, केंद्र सरकार के सामने खड़े होने का, मजबूत विपक्ष बनने का। अकेले क्षेत्रीय दलों में वो क्षमता नहीं कि वो यहाँ पर जो है मुकाबला कर सके। लेकिन अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं क्या वो तेजी के साथ बदल रहे हैं, इसी पर बातचीत हम करेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हम्माद हसन हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता एस एन सिंह जुड़ चुके हैं और सपा की प्रवक्ता
कपी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हम्माद हसन, मैं उनसे ये जानना चाहूंगी, हम्माद जी एक एक करके कांग्रेस का हाथ सब छोड़ते जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता ये कांग्रेस के लिए अब एक ऐसा वक्त आ गया है जब उसे इस बात की चिंता करना जरूरी हो गया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बजाय इसके कि वो ये कहती रहे कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो ये उसकी खुद की कमजोरी है, नैतिक कमजोरी है, नैतिक बल उसका कमजोर है इसलिए छोड़ के जा रहा है, कांग्रेस अभी भी मजबूत है। हम्माद जी, हम्माद जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है जी हम्माद जी, चलिए लगता है हम्माद जी से हमारा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। आवाज मिल रही है? जी जी हम्माद जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी हम्माद जी मेरा सवाल उम्मीद है आपने सुन लिया होगा। जी, कांग्रेस पार्टी एक संघर्षशील पार्टी है और पार्टी का ये विश्वास है कि पार्टी को जब सत्ता का समर्थन मिलता है जनता की तरफ से तो पार्टी सत्ता में रहती है, और जब विपक्ष की जिम्मेदारी रहती है तो पार्टी पूरी मजबूती से विपक्ष की जिम्मेदारी निभाती है। जो लोग जो सत्ता भोगी है, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग सत्ता भोगी है और सत्ता सिर्फ चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं। कांग्रेस पार्टी लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेगी और किसी के आने जाने से कांग्रेस पार्टी में कोई असर नहीं। कांग्रेस पार्टी में हजारों कार्यकर्ता है जो जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी संघर्ष करती रहेगी। तो अगर इसी प्रकार से संघर्ष चलता रहा, अपने ही लोग इसी प्रकार से छोड़कर जाते रहे, तो क्या लगता है कि ये संघर्ष जीवन पर्यंत यहाँ पर चलता रहेगा, क्या आपको लगता है इतना समय है? राजनीतिक पार्टियों में अक्सर आप देखते हैं कोई समाजवादी पार्टी से बसपा में जाता है, बसपा से सपा में आता है, कोई कांग्रेस में। कहीं ऐसा ना हो, मैं हम्माद जी इसमें एड ऑन कर देना चाहती हूँ, ऐसा ना हो कि अपने अस्तित्व के लिए ही कांग्रेस अब संघर्ष करना शुरू कर दे। अभी तक तो राजनीति में वो विपक्ष की मजबूत भूमिका में या सरकार बनाने के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं अगर ये हालात रहे तो अस्तित्व के लिए संघर्ष करने की जरूरत आ सकती है। कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत है, आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से जो पार्टियां, जो राजीव पार्टियां हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक गायब नजर आती हैं। केवल कांग्रेस पार्टी है, आज भी चाहे दिल्ली की सरकार के खिलाफ हो, उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ हो, जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करना कांग्रेस का काम रहा है। और जो नेता कांग्रेस पार्टी में, जब कांग्रेस का कार्यकाल था, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, जो मंत्री थे, सांसद थे, उन्हें सत्ता की लालच में आज वो दल को बदल रहे हैं, आज उस दल में जा रहे हैं अपनी राज्यसभा सीट बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, तो उनका भविष्य उनको मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी में हजारों कार्यकर्ता हैं जो जनहित के मुद्दों को लेकर। सपा के प्रवक्ता कपी श्रीवास्तव जी, और इस बीच में बता दूं हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजीव कपासिया भी जुड़े हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। जी सपा के प्रवक्ता कपी श्रीवास्तव वो क्या कहेंगे? नहीं कायनात जी, हम तो इतना कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने बाहर से सपोर्ट किया है, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, और जहां तक रहेगी कांग्रेस की बात तो कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है और कपिल सिब्बल जी और कांग्रेस जी से, कांग्रेस से लेना देना है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते और ना कुछ कहना चाहते हैं। इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आत्मावलोकन करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, और इलेक्शन अभी उत्तर प्रदेश के बीते हैं, कांग्रेस को भी करना चाहिए, समाजवादी भी पार्टी कर रही है, क्योंकि हम सत्ता में नहीं आए तो क्यों नहीं आए, उसके लिए हम अपनी बातों को देख रहे हैं, और वैसे हम उनको लगता है कांग्रेस भी करती है। किसी चीज पे ये कह देना, एक साथ खारिज कर देना कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है, हर दल पे पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता होगा, लेकिन ये इनका अंदरूनी मामला है। समाजवादी पार्टी कपिल सिब्बल जी के साथ है और उनको जो है निश्चित तौर पर हम राज्यसभा भेजेंगे, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अब उन्होंने अपना नामांकन भरा है, हम उसको उनको सपोर्ट कर रहे हैं। संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं? जी संजीव,
संजीव का ऑडियो मैं चाहूंगी उठा दिया जाए हमारी टेक्निकल टीम से, जरा इस पर देखें, आवाज उनकी नहीं मिल पा रही है। जी संजीव, संजीव आपकी आवाज बहुत लो है, बहुत कम हमें मिल पा रही है। आएंगे इसकी, ये जो प्रॉब्लम अभी आ रही है उसको जल्द से जल्द हम चाहेंगे दूर किया जाए। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। एसएन सिंह जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं कपिल सिब्बल, आप कांग्रेस को छोड़ करके समर्थन के साथ ही सही, लेकिन राज्यसभा आप पहुंचेंगे, सपा के समर्थन से वो राज्यसभा जाने वाले। देखिए कपिल सिब्बल किसके समर्थन से जा रहे हैं, न इसको लेके प्रदेश की जनता में कोई उत्सुकता है, न भारतीय जनता पार्टी में कोई उत्सुकता है, क्योंकि ये जेल मेल और बेल का खेल है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है पहले से ही जिसकी साइकिल पंचर हो गई है, अगर अपने साइकिल पे किसी को बैठा के लेके जा रही है तो वो तो व्यक्ति गंतव्य तक पहुंच जाएगा, नुकसान किसका होगा, साइकिल का जो बचा कुचा पहिया है वो भी टूट जाएगा, ये इनको समझने की आवश्यकता है। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कायनाथ जी, ये तो चाचा को चिढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और आजम खान को पटाने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, और आगे भी समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे, निश्चित तौर पर ढेर सारे कार्यों में कपिल सिब्बल के विचारधारा से इनकी विचारधारा मेल खाती है, उनकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब भी भगवान राम के विरोध में खड़े हो जाते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग तो राम भक्तों पर गोली ही चलाते हैं, तो ऐसे विचारधारा के लोग तो पहले से ही एक थे। जब कपिल सिब्बल साहब चाहते थे कि रामायण जैसा धारावाहिक प्रसारित ही ना हो, कपिल सिब्बल साहब भी चाहते थे कि अब चले हैं प्रवचन देने, बनेगा कैसे राष्ट्रीय जनता पार्टी की लाखों कुत्तों से नचवाने वाले भगवान राम के मंदिर में 20 लाख की जमीन 2 करोड़ में खरीदने वाले और बेचने वाले भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ लेना है। मुबारक कपिल श्रीवास्तव जी को, ऐसे लोगों लेकिन को लेकिन लेकिन एसएन जी कपिल सिब्बल ने कहा कि वो आप देखिए वो विपक्ष का एक गठबंधन बनाना चाहते थे, अब वो उनको ये मौका जो है वो मिलेगा और वो मोदी सरकार के जो जन विरोधी नीतियां हैं या जो कदम है उनको लेकर जनता के बीच जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि अब वो विपक्ष को एकजुट करने के लिए कहीं ना कहीं धुरी बन सकते हैं? देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस पार्टी से कपिल सिब्बल साहब आए हैं, दोनों लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और नतीजा क्या था, मुंह की खानी पड़े थी। अब तो कपिल सिब्बल साहब की विचारधारा पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की हो गई है, जो विचारधारा सनातन परंपरा से मेल नहीं खाती, भारत की संस्कृति से मेल नहीं खाती है, जो प्रदेश की जनता जिस पर विश्वास नहीं करती, ऐसे विचारधारा से आप जुड़ेंगे, हो सकता है 2 से आप 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय की आप आवाज नहीं बनेंगे। भगवान राम के मंदिर का विरोध करेंगे, मथुरा काशी जाने से डरेंगे और मथुरा काशी का विरोध करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता उत्तर प्रदेश और देश की जनता आपको माफ करेगी और आप पे विश्वास करेगी। जी संजीव, एसएन सिंह साहब सवाल ये है कि जब रीता भगोड़ा जोशी आपकी पार्टी में आती है, जब जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तब तो इस तरीके का आरोप नहीं लगाए जाते। जब कोई बड़ा नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता है तब आप विचारधारा पर सवाल खड़े कर देते हैं। आखिरकार आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि आपके पास नेता आता है तो ठीक है, दूसरे किसी दल में आता है तो खराब है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये फाउंडेशन डे से बिल्कुल एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का क्लियर है। हम विकासवादी राजनीति को लेकर चलते हैं, राष्ट्रवाद के एजेंडे पे शुरू से अटल है। 370 पे हमारी नीतियां स्पष्ट थी, आप देखे होंगे केंद्र में बहुत सारे ऐसे सहयोगी दल जो हमें सहयोग कर रहे थे, जो सरकार में हमारे साथ शामिल थे, उनकी विचारधाराएं हमसे अलग थी, फिर भी हमने कभी अपनी विचारधाराओं में परिवर्तन नहीं लिया और 370 जैसे धारा को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत रही। इसी राम जन्मभूमि की लड़ाई जब भारतीय जनता पार्टी लड़ती थी तो सब लोग कहते थे ये चुनावी मुद्दा है, सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए ऐसे करते हैं, कभी भी हमने परिवर्तन नहीं लिया है, चाहे जयललिता कई बार साथ रही, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात जी, आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के एक जमाने के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के लिए नामांकन दर्ज कराया, किस तरीके से देखते हैं और राष्ट्रीय फलक पर समाजवादी पार्टी का कितना विस्तार होगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या कपिल सिब्बल एक नेटवर्क बनाने में कामयाब हो जाएंगे?
देखिए संजीव जी और कायनाथ जी, मैं एक बात मुझे बताना चाहता हूँ, आज जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने कपिल सिब्बल का नॉमिनेशन कराया, कपिल सिब्बल को अपने साथ एक बहुत दूरगामी, मैं एक परिणाम देखना चाहता हूँ, मतलब देखता हूँ वो ये परिणाम है कि एक तो कानून के हिसाब से अभी कई संकटों से समाजवादी पार्टी गुजर सकती है, कानूनी दाव पेच से बचाने के लिए कपिल सिब्बल जैसे योग्य व्यक्ति को लिया। दूसरा आजम खान के मामले में जिस तरीके से आजम खान ने कहा कि अगर कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी राज्यसभा भेजती है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, तो मुस्लिम वर्ग का जो वोट बैंक है, देखिए इस समय अखिलेश यादव एक बड़े संकट से के दौर से गुजर रहे हैं, वो संकट ये है कि 2024 में जो उनकी 5 सभा लोकसभा सीटें हैं, क्या वो 5 से अपनी जनसंख्या बढ़ा पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और मुस्लिम वोटर जिस तरीके से मुस्लिम विधायक नाराज हैं, जिस तरीके से विधानसभा में अभी आज केशव मौर्य बनाम अखिलेश यादव की तूतू मेमे हुई एक पिछड़े वर्ग के नेता को लेके, और अब जिस तरीके से राज्यसभा का जो टर्म आया, ये एक बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक है अखिलेश के लिए कि हम कांग्रेस को कमजोर करें राष्ट्रीय फलक में, और वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं मुस्लिम वोटरों को कि जिस तरीके से कहीं ऐसा ना हो मुस्लिम वोट छिटक के फिर वापस कांग्रेस की तरफ चला जाए। तो कपिल सिब्बल जैसे व्यक्ति को प्रोफेसर रामगोपाल लेके आए हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि समाजवादी पार्टी एक संदेश देने में कामयाब रहे कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश। प्रभात जी, आपको लगता है कि ये उनको इस तरीके से समर्थन देना कपिल सिब्बल को सपा का, उसके लिए लाभकारी साबित होने वाला है, उसकी भविष्य की जो राजनीति है उसे चमकाएगा? नहीं कायना जी, देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि 111 सीटें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जीती है तो आज की तारीख 20-22 लोकसभा सीट वो जीतने की स्थिति में है। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि जो 18% वोट मुस्लिम का मिला है, आजम खान का भी उन्होंने केस लड़ा, आजम खान भी संतुष्ट हो जाए, और जिस तरीके से अपने सहयोगी दल है जयंत चौधरी को भेजने की बात चल रही है, सहयोगी दल छिटक के बाहर न जाए, क्योंकि इस समय अगर सहयोगी दल और विपक्ष बिखर गया और कांग्रेस का कोई वजूद उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, कांग्रेस एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति में घर का भेदी लंका ढाए कपिल सिब्बल को अपने पार्टी में लाके, और जो जीत हम्माद जी से पूछ लेते हैं, हम्माद जी पहले ही कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। हम्माद जी अब आप समझ सकते होंगे, जी हम्माद जी अब आप समझ पा रहे होंगे कि कितना फर्क पड़ने वाला है, समझ नहीं पा रही है। जहां तक कपिल सिब्बल का सवाल है तो इनका जनता में कोई जनाधार नहीं, और आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से लगातार पार्टी जनाधार किसका है, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव हार चुके हैं, तो आप कही राहुल गांधी जी का जनाधार नहीं। बात समीकरणों की है, आपको नहीं लगता कि ये समीकरण जो है वो किस और इशारा करते दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस अभी भी नजरअंदाज कर रही है इस बात को? हम्माद जी, कांग्रेस अगर यही समझ जाती तो आज राष्ट्रीय फलक में बहुत मजबूत होती। हम्माद जी कांग्रेस के बारे में पूरी बात बता नहीं पा रहे, रख नहीं पा रहे। लगातार 5 वर्षों से लगातार पार्टी के अंदर रहते हुए जो आलोचना कर रहे थे, ऐसे लोगों की पार्टी की विदाई से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ता खुश है। जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने कपिल सिब्बल को सांसद बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, और आज जो अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए कपिल सिब्बल का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि पिछड़ों के आरक्षण की विरोध किसने किया था, वो कपिल सिब्बल जी है जिन्होंने पिछड़ों का आरक्षण का विरोध किया था। हम्माद जी आप भूल रहे हैं, कांग्रेस ने सिब्बल को नहीं छोड़ा है, कपिल सिब्बल को, कपिल सिब्बल ने कांग्रेस को छोड़ा है। अगर आप कोई सवाल उठाते हैं उन पर तो दूसरा सवाल आप पर भी उठ जाता है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में आने वाले का भी स्वागत है, जाने वाले का भी स्वागत है। जो लोग पार्टी जब सत्ता में रहती है तो पार्टी में मलाई काटते हैं, और जब संघर्ष का दिन आता है, जब हमारी भूमिका निभाती कांग्रेस का जो चिंतन शिविर में बैठने रहते हैं, आपने देखा होगा पिछले साल हमारी जी कांग्रेस का जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें आखिरकार किस बात को लेकर चर्चा हुई, और कितने लोग ऐसे हैं जो सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं कांग्रेस में, जो भी कांग्रेस छोड़ता आप कहते हैं कि सत्ता सुख भोगना चाहते थे इसलिए चले गए, तो आपके पास ऐसा कोई पैरामीटर है जो कांग्रेस में बचे नेताओं को ये नाप सके कि कौन कांग्रेस के प्रति पूरी तरीके से समर्पण भाव से काम करता है और कौन सत्ता का लालची है, इस तरीके का कोई पैरामीटर है? मैं आपको बताता चलूं,
कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता की जिम्मेदारी उसे मिलती है, जनता सत्ता देती है, तो वो सत्ता संभालती है, और जब विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी होती है तो सबसे बड़ी भूमिका अगर विपक्ष की 2014 के बाद से अगर किसी दल ने दिखाया है वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन आपने देखा होगा सबसे बड़ी बात हम्माद जी सत्ता चाहे मिले या फिर विपक्ष में जनता बैठाए, बात विश्वास की होती है। यहाँ पर विपक्ष के तौर पर आपके खुद के अपने नेताओं का विश्वास डगमगा रहा है, तो जनता में आप कैसे विश्वास भरेंगे? कांग्रेस पार्टी कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है, कमरों में बैठ के राजनीति नहीं हो सकती। वक्त वक्त मेरे पास बहुत बहुत कम है। राहुल गांधी कौन सा अमेठी में चक्कर लगाते रहे हैं? चुनाव हारने के बाद कितनी बार राहुल गांधी अमेठी में आए हैं बताइए ना। 2024 का लोकसभा चुनाव यदि उत्तर प्रदेश में जीतना चाहते हैं तो उनको अमेठी के लोगों का दर्द मानना चाहिए था। चिंतन शिविर से ज्यादा आपको मंथन की जरूरत है। मैं चाहूंगी बीजेपी के प्रवक्ता जल्दी से एस एन सिंह जी अभी जो बात यहां पर हुई है, अभी जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो प्रभात त्रिपाठी ने भी जिनकी ओर इशारा किया, उसके मुताबिक लगता है कि बीजेपी के लिए एक अब चुनौती की स्थिति जो है वो बनेगी अब प्रदेश में। देखिए दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती का विषय नहीं है जिस तरह से लोग कार्य कर रहे हैं। और आप देखिए कपिल सिब्बल साहब क्या नाव पे सवार होने आए, ये जो समाजवादी पार्टी की जो नाव है उसकी पतवार किसके हाथ में? अखिलेश यादव के हाथ में है, जिसके पास अनुभव नहीं है, जो परिवार की लड़ाई लड़ते हैं, जो सिर्फ एक परिवार के को लेके नाव पे चलते हैं। आप चुनाव के समय देख लीजिए, मुलायम सिंह साहब थे तो मोहन सिंह जी को भी आगे करते थे, जनेश्वर मिश्रा जी को भी आगे करते थे, कपिल श्रीवास्तव को भी आगे करते थे, लेकिन अखिलेश यादव जी अकेले नाव चलाना चाहते हैं। आगे करते थे अखिलेश यादव के सारे आगे करते जो पुराने करतूत है, अगर कोई इस तरह की आवश्यकता पड़ी करते थे, बगली मनोहर जोशी को भी तो आगे करते थे, कपिल सिब्बल जी का और भी जमाव करते थे, जसवंत सिंह को भी आगे करते थे। ये देखिए दुबारा पहुंच गए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, लेकिन पृथ्वी के सबसे मिलकर गठबंधन करके अंतिम प्रतिक्रिया। प्रभात जी, संजीव जी, प्रभात जी, जल्दी से मैं अंतिम प्रतिक्रिया आप दोनों की तरफ से चाहूंगी। ये जो आज घटनाक्रम घटित हुआ है, राजनीति में इसको किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं और इसके जो परिणाम है वो कैसे आप देख पा रहे हैं कि सामने आएंगे? देखिए कायनाथ जी, जिस तरीके से ये जो आज का घटनाक्रम है, मैं ये देख पा रहा हूँ कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल निल है और बहुजन समाज पार्टी अपनी 10 सीटें बचाने के लिए संघर्षशील है और मुस्लिम वोटों की हिमायती मायती बन रही है कि मुस्लिम वोट हमारी तरफ आए और मुस्लिम लीडर उनकी तरफ जाए। आजम खां और शिवपाल और ये जो पूरा फैक्टर ओम प्रकाश राजभर का, ये पूरा एक नया एक गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार होगा जो समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। लेकिन कपिल सिब्बल के आने से समाजवादी पार्टी को, कपिल सिब्बल जैसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजने से एक संदेश दिया जाएगा कि कांग्रेस लगातार अपने नेताओं को खो रही है, कांग्रेस कमजोर हो रही है, कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और कांग्रेस को छोड़ा है कपिल सिब्बल ने, कपिल सिब्बल को कांग्रेस ने निकाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब ये संदेश जाता है तो ये दूर दूर तक जाता है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल असली मुकाबला 2024 में है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। चले तो समाजवादी पार्टी के लिए देख पा रहे हैं कि अब मुकाबला जो है वो काफी मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी आ जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि उसके विपरीत दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा अब और खराब हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो कपिल सिब्बल जो है कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और निर्दलीय के तौर पर उन्होंने राज्यसभा जाने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि इस रास्ते में उनकी सहायता जो है करने के लिए समाजवादी पार्टी जरूर सामने आई है, लेकिन ये साथ जो है, ये समर्थन जो है समाजवादी पार्टी की राजनीतिक राहों को कितना सुगम बनाने वाला है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जो राजनीतिक दल जुटे हुए हैं उन तैयारियों में किस प्रकार से ये जो है एक नया सवेरा लेकर आएगा, ये साथ, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।